थाना सिधौली क्षेत्र के गांव बिलंगपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के संबंध में योगेश सिंह प्रधानपति द्वारा कोतवाली में तहरीर दी गई थी, जिसके चलते ब्लॉक स्तर की टीम ग्राम पंचायत में आवास की जांच करने पहुंची थी। वीडियोग्राफी के दौरान शिकायतकर्ता और उसके परिजन गाली गलौज करते हुए उन पर हमला करने लगे और प्रधानपति योगेश को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इस दौरान बड़ी मुश्किल से प्रधानपति को ग्रामीणों ने बचाया। टीम पहुंची थी बिलंदपुर गतिपुर, क्या घटना हुई और क्या कार्रवाई की जा रही है इसमें? ये टीम गई थी IGRS में, हमें शिकायत के लिए थी, उसके संबंधित यहाँ से टीम जांच के लिए गई थी गांव में। वहाँ पर जो शिकायतकर्ता के घर पे जब ये लोग जांच करने गए तो इनके साथ प्रधान जी भी मौजूद थे। इसी पर वो लोग लड़ाई झगड़े पे उतारू हो गए, जिसके साथ में उन्होंने प्रधान जी के साथ में बहुत अभद्र व्यवहार किया, उनको धक्का दिया, मौके पर ही वो बेहोश भी हो गए थे। और हमारे जो यहाँ से अधिकारी लोग गए थे, ग्राम विकास अधिकारी लोग और जेई साहब गए थे, इन लोगों के साथ में बहुत ही अभद्र व्यवहार किया गया। इन लोगों ने अभी यहाँ पर हमें बताया तो इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है आपके इस पर? हमने जांच करके अभी हम SO साहब को बोलेंगे कि वो इस पर जाके मौके पर जाके जांच करें और जो भी कानूनी आवश्यक कार्रवाई है उस पर। यूपी की अनूप शहर की द किसान सहकारी चीनी मिल परिसर में मिल के प्रबंधन समिति की वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक सभापति जिलाधिकारी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें नवंबर में होने वाली मिल की पराई सत्र की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कौन कौन से प्रस्ताव पास हुए, आपने कौन से प्रस्ताव रखा? नहीं, कुछ पिछले प्रस्ताव जो पिछला एजेंडा रहा उस पर सभी लोगों को एकमत होकर सब लोगों ने अपनी उसे पास कराया। और मैं पूर्व में यहाँ वाइस चेयरमैन रहा हूँ और एक किसान होने के नाते, पूर्व वाइस चेयरमैन होने के नाते, मैंने अपनी DM साहब से मात्र 2-3 मांगे रखी, वो सारी किसानों के लिए। सबसे पहले ये है, किसान का उद्देश्य अपना गन्ना यहाँ लाना, चीनी मिल उसकी पेराई करके चीनी को बेचना। और जिस रास्ते से हमारे किसान अपना गन्ना लाते हैं, जो हमारे चीनी मिल का मुख्य मार्ग है, वही पूरा टूटा हुआ है, उसमें कई कई फीट के गड्ढे हैं। तो एक तो हमने उसे शीघ्र से शीघ्र बनवाने की मांग की, और पहले भी जो जो यहाँ DM महोदय आते रहे हैं, हमने उनसे ये मांग रखी है। दूसरी मांग ये है कि जो गन्ना किसान अपनी पेड़ी को उजाड़ते हुए और यहाँ गेहूँ बोना चाहते हैं, तो उनके लिए चीनी मिल समय से चलना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि गेहूँ की हमारी फसल आगामी अच्छी हो और समय से उसकी बुवाई हो। आखिरी मांग मेरी ये थी कि जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं, जो मजदूर हैं, उन्हें समय से उनका वेतन मिले। और ग्वालियर में ज्योतिराज सिंधे के द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया। शक्ति प्रदर्शन में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के द्वारा भारी मात्रा में सहभागिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम के दौरान ज्योतिराज सिंधे ने प्रदेश की सरकार की खुलकर तारीफ की। वहीं उन्होंने केंद्र में मोदी सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र में मोदी सरकार के कारण देश की GDP नीचे आ गई है और साथ ही साथ देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जिस कारण से युवा एवं उद्योगपति वर्ग मोदी सरकार से खासा नाराज है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा ही एक नजारा जनपद संभल में देखने को मिल रहा है। पूरा मामला थाना गुन्नौर क्षेत्र के जुनावाई का है, जहां शासन एवं प्रशासन को ताक पर रखते हुए ब्रजपाल की जमीन पर भू माफिया मनोज संजय ने कुछ दबंग लोगों के साथ कुछ ही मिनटों में ब्रजपाल की जमीन पर अवैध कब्जा कर नीम लगा दी। पीड़ित ने जब उसका विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी तक दी। तब पीड़ित ब्रजपाल ने पुलिस को कॉल किया। 100 नंबर के कर्मचारियों ने उल्टा पीड़ित को ही फटकार सुना दी और कहा कि मामला हमारे स्तर का नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सर ब्रजपाल है। कहाँ के रहने वाले हो? जुनावी। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे? प्रॉब्लम क्या है, मेरे नाम की 72 नंबर जमीन थी, उसमें 2 शरीक और थे, वो भूमाफिया किस्म के आदमी हैं, यानी मनोज संजय पुत्र मल्लूराम। तो वो एक बहुत ही दबंग लोग हैं और उन्होंने दबंगी के बल पर मेरी ज़मीन पर 10 बीस ज़मीन पर कब्जा जबरन कर लिया, हिस्सा बंटवारे में। अच्छा, कहीं थाने में गए थे आप? हाँ, थाने में गए था सर। तो कोतवाल साहब ने ये कहा था कि आप ज़मीन के विवाद में और SDM साहब के पास जाइए। SDM साहब छुट्टी पर थे, वो मिल नहीं पाए, तो फिर जो है उन्होंने कहा कि CO साहब के पास चले जाइए। तो CO साहब जो है का CO साहब के पास गए तो CO साहब ने लंबर लगाया, मैंने CO साहब को, तो CO साहब ने लंबर उठाया।
नहीं उठाया। उसके बाद किसी और अन्य अधिकारी से आपने शिकायत की? और अन्य अधिकारियों से, डीएम साहब से कहा मैंने। क्या बोला था डीएम साहब? तो डीएम साहब ने बोला कि आप मैसेज करिए। मैसेज करिए? हाँ, मैसेज करवाइए, मैसेज करिए। अब कोई, मैं उस समय खेत पर ही था, कोई पढ़ा लिखा आदमी था, मैसेज कर नहीं पाया। अब आज डीएम साहब का भी नंबर नहीं मिला डीएम साहब। जयपुर में छोटी काशी के प्रथम पूज्य मोदी डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इस पूरे ड्रामे का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल भी हो रहा है। ये महिला आरती के समय मंदिर के गर्भगृह तक जा पहुंची और ड्रामेबाजी करनी शुरू कर दी, लेकिन इसी बीच मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई।